नहान बाय अरुण प्रकाश। मैं जब उस मकान में नया पड़ोसी बना तो मकान मालिक ने हिदायत दी थी, बस तुम नहान से बचकर रहना, उसके मुंह नहीं लगना, कुछ भी बोले तो जुबान मत खोलना, नहान जुबान की तेज है। इस मकान में कोई 18 सालों से रहती है, उसे नहाने की बीमारी है। सवेरे, दोपहर, शाम, रात 4 बार नहाती है। बाथरूम एक है, इसलिए बाकी 5 किराएदार उससे चिढ़ते हैं, उसे नहान कहकर बुलाते हैं। वैसे वह अच्छी है, बहुत साफ सफाई से रहती है। मैंने मकान मालिक की बात गांठ बांध ली। मैंने सोचा मुझे नहान से क्या लेना देना, मुझे कितनी देर कमरे पर रहना है। 10 बजे ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर जाऊंगा, फिर 10 बजे रात में उधर ही से खाना खाकर लौटा करूंगा। मेरा परिवार गांव में रहता है, वहां मेरे माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। थोड़ी सी खेती बाड़ी है जिसके लिए हर महीने गांव का एक चक्कर लगाता हूँ। ट्रांसपोर्ट कंपनी में कॉमर्शियल क्लर्क की नौकरी है। दिन भर माल लदवाओ, उतरवाओ, बिल्टी देखकर माल पार्टी के हवाले करो। 6 बजे ऑफिस बंद होना चाहिए, पर कमरे पर आकर करूंगा क्या? परिवार साथ रहता तो बात और थी, कमरे में अकेले पड़े रहने का क्या मतलब? इसीलिए 10 बजे रात से पहले कमरे पर लौटने का सवाल ही नहीं था। कमरे में सामान जमाने के बाद मैं नहान से मिला। इतवार को मेरी छुट्टी होती थी, उस दिन मैं अपने गंदे कपड़े धोया करता। नल या बाथरूम को लेकर ही नहान से टकराव हो सकता था, इसलिए मैं कपड़े धोने के पहले ही नहान से पूछने चला गया, बाथरूम का कोई काम तो नहीं है, मैं अपने कपड़े धो लूं? आगे भी मैं उससे नियमित अनुमति मांगता रहा। इसके चलते नहान की कृपा मुझ पर रहती। वह मुझसे कहा करती, कभी कोई तकलीफ हो, कोई जरूरत हो तो बता देना। मैं कभी कभी छोटी मोटी चीजें उधार मांग लेता, जैसे किरासन तेल, मोमबत्ती, माचिस, इस्त्री। पर मेरे अलावा कोई और पड़ोसी नहान के कमरे की तरफ झांकता तक न था। नहान उसका असली नाम नहीं था। नहान शब्द किसी स्त्री का नाम होगा, यह सोचकर ही अटपटा लगता था। लेकिन अटपटापन उत्सुकता तो पैदा कर ही देता है। मेरे मन में यह सवाल कुलबुलाता रहा, इसलिए नहान के बारे में जो सूचना सहज ही मिल जाती, मैं उसे अपनी स्मृति के खजाने में डाल लेता। मैं चाहता तो उसके बारे में पड़ोसियों से पूछताछ कर सकता था, लेकिन मैं उस मकान में नया था। उस मकान में कुल 6 बड़े-बड़े कमरे थे, एक कतार में बने। उन्हीं में से एक कमरे में नहान अपने पति सूरज के साथ रहती थी। सूरज एक ढाबे में कारीगर था, कारीगर यानी बावर्ची। दिन में 10 बजे काम पर जाता तो रात में 12 बजे लौटता। सुबह में देर तक सोता रहता। उसके पास नहान के लिए फुर्सत नहीं थी। नहान को भी फुर्सत कहाँ थी? वह भी पति के जाने के बाद चूड़ियों की टोकरी उठा सरकारी कॉलोनी चली जाती। उसकी टोकरी में रंग बिरंगी सस्ती चूड़ियां होती, हर तरह की कलाई में फिट आने वाली चूड़ियां, कांच और प्लास्टिक की चूड़ियां। नहान कॉलोनी में जब पहुंचती तो वहां की औरतें फुर्सत में होती, पति काम पर और बच्चे स्कूल। नहान अपने महीन मगर तेज सुर में आवाज लगाती, चूड़िया, रंग बिरंगी चूड़िया। अगर देर के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता तो वह बहचक कॉलबेल दबा देती। पिछले कई सालों से वह इस कॉलोनी में फेरा लगाती थी, इसलिए उसे सब जानते थे। कई औरतें नहान को खुद ही बुला लेती, कुछ खरीदती, कुछ सिर्फ चूड़ियों को देखती, खरीदने की इच्छा दबाती और महंगाई का रोना रोती। नहान को मैंने अपने एक परिचित के यहाँ चूड़ी बेचते देखा था। हम बैठक में थे,
गृहस्वामिनी ने दरवाजे के पास गलियारे में नहान को बिठा रखा था। नहान गृहस्वामिनी को चूड़ियों की किस्में दिखलाती जा रही थी, बुंदकी, खिरकिया, झरोखनी, चंदा, तारा, सूरजमुखी, लोकतारनी। अच्छा, ये पसंद नहीं आई तो सादी चूड़िया ले लो, आपकी गोरी कलाइयों पे ये ऊदी रंग खूब फबेगा। थोड़ा लाल और थोड़ा काला मिलाकर ऊदी रंग बने बीबी जी। सात का जोड़ा डलवा लो, ये लो, बकैर कंगन के कहीं सादी चूड़िया फबती हैं। दोनों कलाइयों के लिए चार कंगन तो चाहिए, आगे पीछे एक एक कंगन, तभी तो कांच की चूड़िया टूटने से बचेंगी। आप पैसे की मत सोचो, पैसा नहीं है तो सिर्फ बोहनी कर दो, बाकी अगले चक्कर में दे देना, 30 रुपए होते हैं, अभी 10 दे दो, 20 हम फिर ले लेंगे। गृहस्वामिनी ने चूड़िया पहन ली। नहान को 10 रुपए देकर जब वह जाने लगी, तब नहान बोली, बीबी जी, असीस की चूड़ी तो पहनती जाओ। गृहस्वामिनी ने कलाई झट आगे बढ़ा दी, भूल सुधार के लिए। नहान ने उनकी बाईंदाई कलाई में एक एक और चूड़ी डाल दी। गृहस्वामिनी झुकी, चूड़ियों की झोरी से अपने माथे को लगाया। नहान बोली, सुहाग बना रहे बीबी जी। नहान आवाज लगाती निकल गई, लेकिन मन में सवाल कुलबुलाना रहा, असीस की जोड़ी क्या है? इन दो चूड़ी के लिए उसने पैसे क्यों नहीं लिए? शायद यह कोई रिवाज होगा। कितनी व्यवहार कुशल माला को नहान क्यों कहते हैं? इसके बाल बच्चे हैं, नहीं? इसका पति 5,000 तक कमा लेता है। इस रकम में दो लोगों की गृहस्थी आराम से चल सकती है। फिर यह चूड़ी की टोकरी क्यों उठाए फिरती है? इसका शरीर स्वस्थ है, मन से दमित नहीं है, फिर भी यह बार बार क्यों नहाती है? उसकी नहाने की आदत से सब परेशान थे। सबको नहाना धोना होता था, बच्चों को नहा धोकर स्कूल जाना था, बड़ों को काम पर। नहान के चलते सबका रूटीन बिगड़ जाता। 4 बार तो वह नहाती ही थी, इसके अलावा वह कभी भी नहाने पहुंच जाती। बाथरूम में कोई होता तो वह दरवाजा पीट पीट कर परेशान कर देती, लेकिन जब वह खुद बाथरूम में होती और कोई दरवाजा पीटता तो जोर जोर से गालियां देती, बाहर निकलती और मकान झगड़े के शोरगुल से भर जाता। मैं जितना पड़ोस में घुलता मिलता गया, नहान के बारे में नई नई सूचनाएं जुड़ती गई। नहान सुंदरी थी, उसकी चिकनी सावली त्वचा के अंदर से गोरा रंग फूट पड़ता था, इससे उसकी सावली त्वचा दमकती। वह कोई 35 साल की होगी, लेकिन रोज रोज के शारीरिक श्रम ने देह की तराश को बनाए रखा था। बदन में फालतू चर्बी कहीं नहीं थी, बड़ी बड़ी कनपटी तक फैली आंखें, गोल चेहरे पर छोटी सी नाक बेडौल लगती थी, पर पूरे चेहरे का अक्स ऐसा था कि उसे भूलना असंभव था। जूड़े को लटकाने के बजाय वह ऊपर की ओर बांधकर हेयरपिन लगाती, जिससे उसकी सुतवा गर्दन और उजागर हो जाती। वह सजनेस्वरने के लिए वैसा जूड़ा नहीं बांधती, बस माथे पर टोकरी उठाने में सुभीता रहे। हाँ, उसके होठों पर पान की लाली हमेशा रहती। पान खाने का शौक उसे अपने पति से मिला था। भट्टी के पास खड़े खड़े उसका गला सूखता, इसलिए उसने पान खाने की आदत डाल ली थी। नहान अपने पति को सावरे कहकर बुलाया करती, सावरे यानी सावरे कृष्ण। कृष्ण जैसा प्रेमी पाने की चाहत लोक जीवन में कई प्रकार से अभिव्यक्त होती रही है, इसी तरह पति को सावरे कहकर बुलाने का चलन निकाला होगा। उसका पति सूरज सावला तो था, पर कृष्ण वाली कोई चमक उसमें नहीं थी, उल्टे वह मनहूस था। काम से लौटता दारू पीकर सो जाता। पड़ोसी बताते थे कि नहान भी पीने में उसका साथ देती है। खैर, हम पड़ोसी महीने महीने बाद सूरज का चेहरा देख पाते थे। उस निहायत ही सादे मर्द में एक खास बात थी।
नाहन के कोई बच्चा नहीं था, फिर भी सूरज ने उसे कभी इसका ताना नहीं दिया, न दूसरी शादी की बात चलाई। और तो और उसने कोई बच्चा भी गोद नहीं लिया। एक पड़ोसी ने सूरज से बच्चा गोद लेने की बात छेड़ी तो उसने पान चबाते हुए कहा था, अभी तो हम दोनों कमाते हैं, पोस्ट ऑफिस के खाते में काफी कुछ जोड़ कर रखा है, एक बीमार भी हो गया तो दूसरे की कमाई से काम चल जाएगा। चिड़िया के बच्चे उसके पास हमेशा कहाँ रहते हैं? बच्चा गोद लेकर क्या होगा? दूसरी शादी मैं क्यों करूं? ऐसी बीवी मुझे 7 जन्म न मिलेगी। एक दिन एक तांत्रिक आया। उसके काले चोके की आस्तीन का कपड़ा हाथ के ऊपर उठाते ही लहराने लगता और उसकी मुट्ठी में कभी चॉकलेट तो कभी काजू प्रकट हो जाता। इस हाथ की सफाई का जादू हमारे मकान की औरतों पर चल गया। मुरादों की गठरी तांत्रिक के सामने खोली जाने लगी। नहान चूड़ी बेचकर लौटी थी। एक पड़ोसन ने तांत्रिक से कह दिया, इसका कोई जतन कर दो महाराज, इसकी कोख हरियाती नहीं, जे बाज है। बाज शब्द सुनते ही नहान बिफर पड़ी और पड़ोसन को एक झापड़ लगा दिया। जो मुझे फिर बाज कहा तो तेरी जबान कतर दूंगी, मैं जन्म से बाज नहीं हूं। पड़ोसनों को सांप सूंघ गया। वे अब तक नहान को बाज समझ रही थी। बाज न होने की बात जानकर किस्म किस्म के संदेह और अनुमान का सिलसिला चल निकला। बहरहाल निष्कर्ष यह निकला कि खोज सूरज में है, वरना नहान के गर्भ क्यों नहीं ठहरता। पड़ोस में सब नहान की पीठ पीछे उसके बारे में सूचना देने को उत्सुक रहते थे। बस नंदू ड्राइवर नहान का नाम लेते ही मुंह सी लिया करता। नंदू क्रेन चलाता था। हाईवे पर कोई ट्रक कार पलटती तो नंदू क्रेन ले जाकर उसे खींचता और गैराज तक पहुंचा देता। उसके काम का कोई समय बंधा न था। अकेला रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था। नंदू रात में दारू चढ़ाना खाकर कमरे पर लौटता था। उसका कमरा मेरे बकल में था। अगर मैं जाग रहा होता तो वह दुआ सलाम करता, वरना सो जाता। नंदू कपड़े धोने का काम शाम के 3-4 बजे करता। तब नल काली रहता। नहान उसी समय फेरी लगाकर लौटती थी। टकराव का कोई अवसर न होता, फिर भी वह नंदू से उलझती। कभी अलगनी पर लटके गीले कपड़े बदन से सट जाने की शिकायत करती, कभी रास्ते पर पानी छलकाने के लिए कोसती। लगे हाथ नंदू को 2-4 गालियां सुना देती। नंदू यों तो गबरू था, पर वह नहान की गालियां चुपचाप सुन लेता। कभी सिर उठाकर दीनहीन याचक वाली मुद्रा में देख लेता। इस पर नहान और बमकती, फिर पैर पटकती अपने कमरे में चली जाती। उसके बाद नंदू जैसे ही नल से हिलता, नहान बाथरूम में घुस जाती मानो वह नंदू की छाया से अपवित्र हो गई हो। अजीब यह कि नंदू कोई 16 साल से नहान की गालियां बर्दाश्त कर रहा था। नंदू की क्रेन मेरे ऑफिस के पास ही खड़ी रहती थी। उसके मालिक का ऑफिस भी वहीं था। इसलिए मैं धीरे धीरे जान गया था कि नंदू सहनशील नहीं है। ट्रक क्रेन जैसे सड़क छाप धंधे में दयनीय बने रहने से काम नहीं चलता। फिर वह इतने सालों से नहान को क्यों झेल रहा है? वह चाहता तो किसी और मकान में कमरा ले लेता। तांत्रिक के आगमन से स्थिति विस्फोटक हो उठी थी। मेरे तीनों पड़ोसियों ने मिलकर नहान को पीट दिया। रोती कल्पती नहान सूरज के ढाबे पर पहुंची। उस दिन मनहूस सूरज ताव खा गया। वह हाथों में लंबा करछुल लिए रिक्शे पर नहान के साथ आया। सूरज और पड़ोसियों में घमासान हो गया। दो पड़ोसियों के सर फूटे, एक का हाथ टूटा। इस घटना के बाद सूरज तो भाग गया, पर नहान अपने कमरे में ही थी। आखिर पुलिस आई और नहान को गिरफ्तार करके ले गई। नहान पर हिंसा का नहीं, हाँ एक पड़ोसन को झापड़ मारने का इल्जाम था।
मैं रात कमरे पर पहुंचा तो उस घटना के बारे में मुझे पता चला। तभी मैंने देखा कि नहान रिक्शे से उतर रही है। नंदू उसे उतरने में सहारा दे रहा था। नहान अपने कमरे में चली गई, नंदू अपने कमरे में। घंटे भर बाद मैंने देखा कि नंदू के कमरे की बत्ती अभी भी जल रही है, तो मैंने उसका दरवाजा खटखटाया। इस बीच मुझे कुछ और जानकारी मिल गई थी। नंदू नशे में था, फिर भी मैंने पूछ लिया, तुमने नहान की जमानत क्यों दी? नंदू रहस्यमय तरीके से हंस पड़ा, सूरज के बाद मेरे अलावा उसका है ही कौन? बाबू तुम्हें हैरत हो रही है ना? रोज गरियाने और दुकाने वाली औरत की जमानत मैंने क्यों दी? मैं तो उस पर जान भी दे दूं। बड़ी जिद्दी औरत है, बच्चा ना होगा फिर भी रहेगी सूरज के ही साथ। उसकी जिद तो मेरी भी जिद। मैं सूरज और माला के साथ नशा पानी किया करता। एक रात नशे का फायदा उठाकर मैं माला के साथ गलत काम कर बैठा, गर्भ भी रहा। मैंने सोचा अब इसकी जिंदगी बन जाएगी, पर उस जिद्दी ने गर्भाघात कर लिया। बस यही जिद, ये कोक तो सावरे की है। मैंने हैरत भरे स्वर में उससे पूछा, नहान उस मनहूस सूरज को इतना प्यार क्यों करती है? नंदू लड़खड़ाती आवाज और बिखरे शब्दों में कहने लगा, प्यार नहीं, एहसान। बाबू, वह एहसान चुका रही है। माला का बाप नहान को एक बूढ़े के साथ बांध रहा था। तब यही सूरज रोती कलपती माला को छिपाकर यहां ले आया था। इसी एहसान को पगली प्यार समझती है और साथ रहने को शादी। क्या इनकी शादी नहीं हुई? नंदू मुझ पर ही तंज करने लगा, तुम भी बौड़म हो बाबू। दोनों जात एक होती तभी तो शादी होती, इसलिए मैं उससे कहता हूं, सूरज को छोड़, मेरे साथ सगाई कर ले, हमारी तो जात भी एक है। नंदू मुझे और रहस्यमय लगने लगा था। नहान, नंदू और सूरज के संबंधों में रहस्य की इतनी परतें होंगी, यह मैंने सोचा नहीं था। इतनी मामूली जिंदगी और इतनी गहराई। अब तक मैं इन लोगों से खुद को श्रेष्ठ समझता था, अब मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। मैं बमुश्किल बोल सका, बहुत ऊंची औरत है मगर इतना नहाती क्यों है? मेरे सवाल पर नंदू जोर से हंसा, मेरे छूने से वह झूठी हो गई सो नहाती रहती है। मैं उसका रास्ता भी लांग दूं तो नहाने पर ही उसे चैन आएगा। लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुमने उसको सहारा देकर रिक्शे से नीचे उतारा था, क्या वह अभी नहाएगी? नंदू हंसने लगा। उसे हंसता छोड़ मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि नहान बाथरूम से नहाकर निकल रही थी। नहान का रहस्य मेरी समझ में आ गया था, लेकिन नहान के लिए नंदू का इंतजार मुझे और रहस्यमय लगने लगा।